हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते पहले फ्रेंड, अभी सोनू भैया बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड के एक्चुअल में क्या है, वो बदनाम कर रहे हैं अपने माँ बाप को, मतलब माँ और बहन को बदनाम करने पे तले हुए हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक भाई का फर्ज ये नहीं होता है। सच्चाई पता कर रहे हैं, उनके ससुराल में जा रहे हैं, ठीक है, ससुराल वालों से बात कर रहे हैं, उन्हें अपना जो भी उनका पक्ष था उन्हें बता दिया। एक बार रश्मि से पूछा आपने कभी उनकी फेस टू फेस जाके सच्चाई क्या है? ऐसा नहीं होता है, जो कि आप उनको बदनाम करने पे तले, आपका आप भाई होने के नाते ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप चैनल चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, व्यूज मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनको बदनाम करके ग्रो करेंगे आप। आपका फर्ज बनता है उनके साथ जाएं, उनके वहां जाके बैठे। आप कहते हैं वहां जाते मिलती नहीं है वो, जब आप वहां पे जाएंगे किसी और से पूछेंगे पाचेंगे, उन्हें किसी ने बता दिया वहां पे हैं, वहां आप जाएंगे नहीं जहां वो आप बताएंगे कि वहां पे हैं वो। एक बार आप गए थे, उनके शूट चल रहा था, हाँ, वीडियो ब्लॉग शूट कर रहे थे वहां पे, तो वहां पे आप गए नहीं उनके पास में, आपको पता था वहां पे हैं, बस घर देख के चले, घर पे नहीं थी तो कोई काम होता कहीं जाता भी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो मिलना नहीं चाहती हैं आपसे, आप मिलना नहीं चाहते हैं उनसे, आप झूठे आरोप लगाते हैं उन पे कि वो मिलना नहीं चाहती हैं, वो माँ हैं, उनका दिल पिघल जाए कितना भी आप कितना गलत काम करते हैं। एक ऐसा भी भाई है जो अपनी बहन को बदनाम करने पे तुला हुआ है, और एक ऐसे भाई होता है जो अपनी बहन के लिए सबसे लड़ जाता है। मैंने इस दुनिया में पहला भाई देखा है ऐसा, जो कि अपनी बहन को बदनाम कर रहा है। एक बार तुम रश्मि से पूछते तो कि तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम आप पूछ रहे हो कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। शादी जब फिक्स करने गए थे तब तुमने कुछ भी नहीं देखा था वहां पे जाके। चलो ठीक है, शादी हो गई, कोई बात नहीं, फिक्स की, ऐसे भी हो गई, किस्मत जो होता है वो होता नहीं, है। नहीं, शादी जब फिक्स करने के लिए गए थे तो तुमने नहीं पूछा था तुम क्या करते हो, कितने रुपए मतलब कमाते हो दिन के, कितने नहीं कमाते हो। ऐसा तो लगता नहीं कि उसके हस्बैंड ही कह रहे हैं कि रश्मि पार्लर पे घूमेगी, उसे घूमने का बहुत शौक है। हर लड़की को होता है, मगर इतना भी नहीं होगा जितना कि आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। और वो चाची वाली बात बता रही थी, वो अपने मुँह से बता रही थी कि हाँ ये बात सच है, बाकी आप जानते हो जो भी है ठीक है, लेकिन जो चीज आप दिखा रहे हैं खर्चे वाली बात बता रहे ना, ऐसी रश्मि ऐसी लड़की नहीं है जो खर्चा इतना करे, लेकिन हर किसी को खाने पीने को चाहिए होता है, हर किसी ऐसा नहीं भूखा रहेगा कोई भी, ठीक है, जितना कमाते हैं। और पहली बात तो जो मेल है, आप देखो रश्मि 16 साल की लड़की है, 16 साल की समथिंग होगी, ज्यादा की नहीं है, ठीक है, बच्ची है अभी वो, बच्ची है अभी वो, लेकिन समझदार नहीं है इतनी ज्यादा वो भी, वो ठीक है। तो उनका जो उनके हस्बैंड है, आपको बताया क्या नाम था उनका हस्बैंड का? सूरज जी हैं, बहुत काफी ज्यादा एज की लग रहे हैं, ठीक है, किस्मत से इनका जोड़ा बना दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने, लेकिन आप उनको वो जो भी ऐसे टूटा तुम सच्चाई जाने ना, सूरज ने बता दी अपनी सच्चाई क्या थी, अब रश्मि से एक बार जाके फेस टू फेस बात करें उनसे जाके। अरे चलो ठीक है, वो उनका मैटर है, मगर मुझे तो भैया पे हंसी आती है, क्या नाम उनका, आपका काम ना, आपका ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सोनू को। मुझे तो सोनू भैया पे हंसी आती है कि माँ शब्द खुद में बहुत ही बड़ा होता है। माँ चाहे सौतेली होती सगी होती, माँ खुद में माँ होती है, ना माँ सगी होती ना सौतेली होती है। तुम अपनी सगी माँ को बदनाम कर रहे हो, पता नहीं कैसे बैठे हो। अब इसमें बहुत सारे लोग मतलब इसमें पॉजिटिव भी कमेंट करेंगे, निगेटिव भी करेंगे, करने वालों करने दो, कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, सोच होती लोग वैसे कमेंट करते हैं। सच्चाई जो सच्चाई को सामने लाओ, ऐसा नहीं है सच्चाई को झुटला के आप व्यूज के लिए कुछ भी मतलब उनके सामने जा रहे हो, अपने माँ से बहन से नहीं मिल रहे हो, हाँ उनसे जाके मिल रहे हो, उनकी सच्चाई सामने, ऐसी सच्चाई सामने नहीं आती है, जो कि आपने दिखा दिया कि रश्मि ससुराल क्यों नहीं आती है। सोनू भैया रश्मि से पूछो जाके ससुराल क्यों नहीं आती रश्मि अपनी, हाँ सोनू भैया तो एक मीडिया वाले बन के ऐसे घूम रहे हैं, मतलब अपने मम्मी बहनों को बदनाम करने पे तुले हुए, जो कि उन्हें अपना घर चलाना चाहिए। आपको भी उन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा, उन्होंने किया आपको, शर्म आती है तुम्हें, कुछ भी शर्म नहीं आती है उसका, तो कर्ज अदा करने की कोशिश करो, कर्ज तो कभी अदा नहीं कर पाओगे तुम जिंदगी भर उनका, थोड़ा तो मतलब कोशिश करो कर्ज अदा करने की उनकी। एक विधवा औरत को तुम बदनाम कर रहे हो, भरना पड़ेगा तुम्हारे लिए, भरना नहीं पड़ेगा, कोड़े पड़ेंगे ऊपर जाके तुम्हारे। तो अभी भी समय है, कोई दिक्कत है समस्या होती है उसको बात करने सुलझती है वो, ठीक है। तो सुनो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं, तुमसे एज भी बड़ा ही हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं तुमसे छोटा हूँ मैं, तुम समझने की कोशिश करो, ये फैमिली मैटर है, इसको ज़्यादा ना उछालो, फैमिली की तरह से रहो। और वो भी ब्लॉग शूट करती हैं, रश्मि भी है, बहुत अच्छी लड़की है, हाँ, और राधा दीदी भी हैं, आप तीन लोग मिलकर अगर काम करोगे ना, ब्लॉग शूट करोगे, बहुत ऊपर जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छा जाएगा, मतलब चलेगा आपका ब्लॉग सबका। लेकिन आप व्यूज के लिए ऐसा कुछ गलत दिखा रहे हैं माँ आपके खिलाफ, माँ के खिलाफ अपने, ठीक है, वो चीज़ गलत होती है, कभी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, माँ माफ़ कर देगी लेकिन ऊपर वाला माफ़ कभी नहीं करेगा आपको। अरे मिलके काम करो या मत करो, कम से कम वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम उन्हें कुछ मत कहो, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी शर्म नहीं है तो किसी के लिए कुछ भी मत कहो, आराम से अपनी रिकॉर्डिंग जो बात करते हो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके दूसरे पता नहीं किस किस को देते हो,
वो रिकॉर्डिंग उनकी वीडियो पे जा रही है, उससे आपकी घर की बदनामी हो रही है, अल्टीमेटली आपकी हो रही है। अगर आप समझ सकते हैं तो इस बात को, लेकिन आप नहीं समझ सकते इस बात को ना। अगर समझेंगे तो ऐसी वीडियो कभी आप नहीं डालेंगे। सच्चाई सामने ऐसे नहीं आती, सच्चाई मीडिया को दिखा के नहीं आती, सच्चाई सामने। अगर आपको उनको कुछ सुलझाना मैटर को, अपने घर में बैठ के आराम दादा दीदी के साथ बात करो जाके प्रॉपरली प्यार से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के बेटे हो, उन्हीं के बेटे हो, उन्होंने जन्म दिया है आपको, ठीक है। तो मैं हर एक भाई से कहना चाहूंगी, जैसा सोनू भैया है ऐसे कोई भी भाई मत बनना अपनी बहन के लिए, और ना ही अपनी माँ के लिए ऐसे बेटे बनना। कोई ऐसा नहीं होता है, हर किसी के दिल पिघलता है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, मन बेटा हमारे बीच भी होता है, लेकिन कभी ये मान जाती है, कभी हम मान जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने नहीं बोली तो हम इनसे बोलेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो समझने की कोशिश करो आप लोग। या फिर सोनू भाई से कोई और मतलब बोलता है कि ऐसे से करो, मुझे भी ऐसा भी फील हो सकता, मतलब देखा मैंने कई वीडियो में कि वो बोलता है उनको ऐसे से करो, ऐसे से उनके पास जाओ, ऐसे सच्चाई सामने लाओ। हाँ, लेकिन सबसे पहली बात आपको राधा दीदी के पास जाना पड़ेगा प्यार से, एज ए बेटे, ठीक है, ना जी एज ए मतलब उनके विपरीत विपक्षी होके, ठीक है। ऐसे बेटे वहाँ पे जाके बात करो उनसे रश्मि से, ऐसे भाई बात करो वहाँ पे, ठीक है। तो सच्चाई सामने तब आएगी, चाहे मीडिया को दिखाओ चाहे खुद बात करो आप उनसे। कौन सा वीडियो तुम्हारे काम नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बस जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आए थे, हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था इधर, तो अभी ये बागान है, देख रहे थे हम आम के कैसे यहाँ पे आम के में मोर आ गया ना, मोर देखते हैं आप, ये मोर हो गया है, दिखाते हैं आपको, ये दिखाओ नीतू, ये देखिए फ्रेंड्स ये मोर आ गया। अभी इन पे आम आएंगे छोटे छोटे, हल्के बहुत छोटे छोटे देखेंगे नहीं अभी, ये तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। अभी रश्मि ससुराल क्यों नहीं आती है, ये बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं इस पे, ऐसा नहीं है, और हमने सच्चाई भी बताई है इसमें, और सच्चाई है वो तो आपको उनके पास जाके ही मालूम पड़ेगी, दीदी और रश्मि के पास जाके उनसे फेस टू फेस बात करके सच्चाई आखिर क्या है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो पर्सनल चीज़ें होती हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर और कैमरे के सामने नहीं बता सकता, पर्सनल चीज़ें होती हैं, प्राइवेट चीज़ें होती हैं, वो फिर कभी बताएंगे जैसे मैटर सॉल्व होगा। देखो कहते हैं कि मतलब रश्मि पार्लर पे जाने की सोचती है, रश्मि अब सेलिब्रिटी बन गई, अब वो फेमस हो गई है तो अब वीडियो बनाने लगी है, पहले से तो ऐसी नहीं होगी ना कि मतलब पहले से वो पार्लर जाती होगी, ऐसा नहीं है। और रश्मि बहुत ही अच्छी लड़की है, एक लड़की का दर्द क्या होता है लड़की से जाके पूछो, ना कि आदमियों से, आदमियों कुछ नहीं पता होता है लड़कियों के बारे में, वो उन्हें समझ ले वही बहुत होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना या मत करना, कमेंट करके बताना कि मैंने सही बोला, हम लोगों ने सही बोला या फिर गलत बोला। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा।